हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं केस 10 से, जो कि हमारा डॉपलर इफेक्ट का है। आपको पता ही होगा कि हम लोग केस फर्स्ट बात कर चुके हैं डॉपलर इफेक्ट का। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। हमारा जो इससे पहले वाला वीडियो था उसको आप ज़रूर देखिए, वो फर्स्ट लेक्चर था अपना डॉपलर इफेक्ट का। कंडीशन हम लोग बात कर रहे हैं कि किस किस कंडीशन में कैसा कैसा फॉर्मूला लगेगा और कौन कौन से यूज कैसे करते हैं, उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं। तो डेफिनेटली आप जाइए, पहले आप उस पहले वीडियो को देखिए जो हमारा केस फर्स्ट से लेकर केस 9 तक का था, और उसके बाद हम केस 10 में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इस केस में क्या है, मूविंग साउंड सोर्स क्रॉसेस अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यानी कि एक कोई साउंड सोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर से क्रॉस कर जाता है तो उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी। मतलब सपोज करें कि आप एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और एक ट्रेन क्रॉस करते हुए उस प्लेटफॉर्म पे रुक नहीं रही है, वो सीधा हॉर्न बजाता हुआ क्रॉस कर रही है। जब वो स्टेशन से बहुत दूर होता है तो साउंड हॉर्न बजाता हुआ जब वो आ रहा है स्टेशन की तरफ, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे आपकी जो साउंड सुनने का होता है, जो पिच सुनाई देता है, वो लाउड होता है, और जब वो क्रॉस करके आपसे दूर चला जाता है तब फिर वो धीमा होता है और एक टाइम के बाद आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो जाता है। यानी कि अगर हम इस कंडीशन में बात करें तो दो कंडीशन बन सकती है, एक बिफोर की और एक आफ्टर की। बिफोर, जब वो अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ जो खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, और एक बार ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो आफ्टर एक कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पे दो कंडीशन हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन देखिए, यहाँ पे बिफोर के लिए मान लीजिए कि ऑब्जर्वर जो है सोर्स जो है वो इधर से आ रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ सोर्स विच इज एफ एस, और जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है वो जीरो है, और वो इस डायरेक्शन में आ रहा है और इसी डायरेक्शन में हॉर्न बजाता हुआ भी आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो क्या लिखते हैं हम लोग, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज वी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो जीरो है, अपॉन वी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स लेते हैं विच इज इस डायरेक्शन को हम लोग प्लस लिए हुए हैं, तो यहां पर लेंगे वी ऑफ एस, और ये आपका रियल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एपरेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड रियल फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला बना। अब जरा सोचिए, हम लोग इतने केसेस पढ़ लिए हैं तो एक चीज़ तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि जब भी अप्रोच होगा यहाँ माइनस होगा। भाई देखिए, अगर ये वाला टर्म बढ़ेगा यानी प्लस में अगर होता तो ये बढ़ जाता, वी से प्लस होता ये वैल्यू बढ़ेगा, तो एपरेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो घटेगा, राइट? और अगर ये घट जाएगा तो ये वाला टर्म बढ़ेगा। अब जरा सोचिए, लॉजिक सोचिए कि जब आप ट्रेन आपकी तरफ अप्रोच कर रही है तो क्या उसकी साउंड जो आपको लाउडनेस सुनाई देगी क्या वो घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा? बढ़ना चाहिए क्योंकि अप्रोच कर रहा है, तो बढ़ना चाहिए, यानी कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ता जाएगा, यानी कि बढ़ने का मतलब ही क्या होगा, वी माइनस वी एस, ठीक है? ये तो था बिफोर कंडीशन। आफ्टर कंडीशन जरा देखिए, अब जो यहां पे अगर हम बात करें, व्हीकल ये उधर जा चुका है, साउंड जो आ रहा है वो क्योंकि ऑब्जर्वर इधर है, साउंड इधर प्रोड्यूस करता हुआ आएगा वी, बट वो जा उधर रहा है, तो इस जाने वाले को हम लोग यहां पे ले लेते हैं माइनस और इसको हम लोग ले लेते हैं प्लस। कन्फ्यूज नहीं होना है इसके अंदर में कि सर अभी हमने इधर वाले को तो प्लस लिया हुआ था और इधर वाले को अब हम माइनस ले रहे हैं, ठीक है ना? इधर वाले को प्लस लिया था तो इस कंडीशन में इधर वाले को तो हम यहाँ पे माइनस ले रहे हैं, ये ऐसा क्यों? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जिधर साउंड जा रहा है उस तरफ आप प्लस ले लीजिए, ठीक है ना? और अगर ऑब्जर्वर उधर जा रहा है तो प्लस एन के साथ लिखिए, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर माइनस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि प्लस माइनस डिजाइन कैसे करते हैं, सेट कैसे करते हैं, ये प्लस माइनस सेट होता है आपके ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है और साउंड कहाँ से आ रहा है। मान लीजिए कि अगर वो इधर अप्रोच कर रहा है तो जाहिर सी बात है साउंड इधर से ही आ रहा है,
तो इस डायरेक्शन को हमने प्लस ले लिया। अब वो दूर जा रहा है तो साउंड उधर से इधर आ रहा है, तो इस डायरेक्शन को प्लस ले लिया। सो सिंपल, समझ में आया? यानी कि आपको कहाँ ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है वेलोसिटी ऑफ साउंड पे, साउंड किधर से आ रहा है। जिधर से वेलोसिटी ऑफ साउंड आ रहा है उस डायरेक्शन को आप प्लस लीजिए। यानी कि अगर कार उधर चल गया होता तो साउंड उधर से यहाँ पे आ रहा है, तो इस डायरेक्शन को आपने प्लस ले लिया। और अगर ये इस तरफ आ रहा है तो अप्रोच इधर कर रहा है, तो इस डायरेक्शन को प्लस ले लीजिए। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, प्लस माइनस आपको समझ में आना चाहिए कि हमने कहाँ से कैसे कैसे लिया है प्लस माइनस, ठीक है। चलिए, तो अब हम अगर यहाँ पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी लिखे तो क्या मतलब होगा, वी माइनस क्या हम यहाँ पे ऑब्जर्वर लिखेंगे, ऑफकोर्स जीरो होगा क्योंकि रुका हुआ है। वी माइनस क्या वो सोर्स जो है वो उधर जा रहा है नेगेटिव साइन के साथ, तो लिखिए यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस वी ऑफ सोर्स। ये कुल मिलाकर क्या बन गया आपके पास, एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, और यहाँ पे इसके लिए बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैं फिर एक बार बताऊँ कि अगर ये पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाइए, सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए, क्योंकि वहाँ पर ही आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट मिलेगी। फर्स्ट कंडीशन हमने कैसे लिया था, क्या फॉर्मूला था, कैसे यूज किया था, उसी को हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर वो पार्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो ये डेफिनेटली आपको आधा अधूरा समझ में आ रहा होगा। और ये डॉपलर इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, चाहे आप नीट या IIT, बट एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूछा ही जाता है इसमें, है ना। और बहुत ही ईजी होता है, सिर्फ यही तो देखना होता है कि इस डायरेक्शन में क्या है। लगभग हमने सारे कंडीशन, कोशिश कर रहा हूँ मैं कि सारे कंडीशन से यहाँ पे बात कर लूँ, ताकि कुछ डिफरेंट कंडीशन आपको कहीं और बुक्स में या कहीं और पे ना मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन बात करते हैं, केस 11, मूविंग ऑब्जर्वर क्रॉसेस अ स्टेशनरी सोर्स। अब जरा सोचिए, पिछले कंडीशन में क्या बात किए थे कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, ट्रेन क्रॉस कर रही थी, इस बार जो सोर्स है वो रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। ऐसा कब कंडीशन हो सकता है? मान लीजिए कि कोई पोल के ऊपर में होता ना, वो भोपू लगा हुआ होता है ना। तो मान लीजिए कि वो ऐसा माइक जैसा कुछ लगा हुआ है और वहाँ से राम कथा वगैरह चल रहा है, आप उसके बगल से क्रॉस किए, क्या हुआ, आप उसके बगल से क्रॉस कर रहे हैं, राइट। तो आपको जब आप बहुत दूर होंगे तो आपको लग रहा होगा अच्छा साउंड तो इधर से आ रहा है, जैसे जैसे आप पास आएंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा सुनाई देगा, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे फिर कम होगा, एक टाइम के बाद आपको सुनाना बंद हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये बिल्कुल वही कंडीशन है जिस कंडीशन पे अभी हमने बात करी, यस और नो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे भी बिफोर और आफ्टर की बात करेंगे। क्या इससे पहले वाला बिफोर लेंगे और इसके बाद वाला आफ्टर लेंगे, समझ आ रहा है आपको? बिफोर का कंडीशन, चलिए बिफोर का कंडीशन लिखते हैं। बिफोर का कंडीशन कैसे लिखेंगे जी? एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज, जरा सोचिए, क्या ये सोर्स है जो इधर चला गया, सॉरी सोर्स तो ये, वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है वो ये है, वेलोसिटी ऑफ एस जो है वो ये है जो कि जीरो है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर वो है जिसके पास ये वेलोसिटी है, ठीक है ना, ये वेलोसिटी है ऑब्जर्वर की, ठीक है। कंडीशन लिखिए, अब सिंपल कंडीशन है, वी माइनस सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जा रहा है, जरा सोचिए तो प्लस माइनस किधर देंगे, क्या ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है और वो इधर से साउंड इधर से आ रहा है, तो क्या मैं इस डायरेक्शन वाले को प्लस लूँ? हाँ, और इधर जो जा रहा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर वो इस डायरेक्शन में है, तो जरा सोचिए, प्लस ये हुआ तो ये वाला क्या हुआ, माइनस, तो मुझे क्या लेना चाहिए माइनस के साथ, माइनस ऑफ वी ऑफ ऑब्जर्वर। आया समझ में? अपॉन वी सोर्स जो है वो तो रुका हुआ है, तो जीरो, रियल फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना कैसे कैसे लिख रहे हैं। अगर हम आफ्टर की कंडीशन में बात करें तो आफ्टर की कंडीशन में क्या होगा, जरा सोचिए, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो आफ्टर की कंडीशन में क्या होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो वी माइनस वी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन में वी,
दैट इज द फ्रीक्वेंसी। आप समझ गए, मतलब बहुत ही इजी है, अगर आप एक बार समझ जाएं इसको तो बहुत ही इजी है। अब देखिए हमने यहाँ पे माइनस क्यों किया, इसको थोड़ा समझिए, क्या वो राइट साइड जा रहा था? यस राइट साइड जा रहा था, और साउंड भी उसी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में साउंड जा रहा है, प्लस ले लिया, और ऑब्जर्वर भी उसी डायरेक्शन में भाग रहा है तो वो प्लस हो गया, तो माइनस ऑफ प्लस में तो वी, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन आपका बना, ये फॉर्मूले जब भी आप क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड आए सीधा पुट करिए, आंसर लाइए। यस सुनो, हम लोग क्वेश्चंस भी इस पे करेंगे लेकिन पहले केसेस सारे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स मूव इन सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के अंदर में किस में, सोर्स एंड ऑब्जर्वर में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, और कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है इससे कोई दोनों में डॉपलर इफेक्ट लगेगा ही नहीं, और अगर डॉपलर इफेक्ट नहीं लग रहा है तो कोई को भी एपरेंट फ्रीक्वेंसी जैसी कोई चीज होगी नहीं, ठीक है ना। तो ये रहा आपके पास, देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट बिकॉज रिलेटिव मोशंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज जीरो। सोर्स एंड ऑब्जर्वर में क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। सो सिंपल, राइट।